हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रियंका एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। सो गाइस, जैसे कि थंबनेल एंड टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मेरा किस टॉपिक पे वीडियो है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि मेरे टीथ रिसेंटली वीडियो देखा होगा कि मेरे टीथ ब्लैक पड़ रहे हैं, तो मैंने डेंटिस्ट के पास गई थी। तो ऐसा ऐसा मेरे को हुआ था, मतलब आप नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से देख लेना। सो गाइस, मेरे टीथ ब्लैक पड़ रहे थे, आपने मेरे रिसेंटली ब्लॉग वीडियोस में देखा होगा, तो उसका ही सॉल्यूशन इस वीडियो में है। आप लोगों को थंबनेल टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि मेरे टीथ वाइट कैसे हुए। सो गाइस, सीरियसली मेरे टीथ देख रहे हैं वाइट हो गए, एंड जस्ट ओनली वन डेज में, मतलब एक दिन में। आज ही मुझे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैंने प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो सॉल्यूशन भी तो शेयर करना पड़ेगा, है ना गाइस। मतलब वो उस पे ऐसा टॉपिक ही था, मेरे टीथ ब्लैक पड़ गए थे, तो ऐसा टॉपिक ही था कि मतलब जो भी ब्रेसेस लगाने वाले हैं या फिर जो लगाए हैं उनको टेंशन हो गया था कि मतलब इतना पैसा, इतना मेहनत, मतलब इतना टाइम बर्बाद करके जब तक हम मतलब हमें वो नहीं मिलती है एक जो हमें चाहिए होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन वो हमें नहीं मिलती है कि हाँ मतलब जैसा हमें चाहिए हमें हमारे टीथ वो नहीं मिलती, तो हमें मतलब हमारे मन मतलब दुख होता है थोड़ा। तो गाइस, मेरे भी टीथ मतलब ऐसे बताया था आप लोग को 8-9 महीने हो गए मेरे ब्रशेस निकले, तो मेरे टीथ ब्लैक पड़ रहे थे। देखिए आप नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक पूरे पड़े थे, नीचे के भी सारे टीथ ब्लैक पड़े थे। इवन अभी भी आप साइड में देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे जो हैं इसमें ब्लैक पड़ रहे, अभी ब्लैक हैं, बट जो यहाँ पे थे वो सब निकले हुए हैं, आप देखिए जस्ट एंड जस्ट ओनली वन डेज में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी सॉल्यूशन शेयर करूँ। सो गाइस, मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे यूट्यूब पे सर्च किए कि मतलब टीथ को कैसे वाइट करें, तो उसमें मेरे को बहुत सारा मिला, नींबू नमक हल्दी में नींबू गार के कोलगेट एंड ऐसे मिक्स करके लगाओ गाइस। उसको भी मैंने ट्राई किया, उससे भी गाइस होते हैं साफ, पर 100% नहीं होते हैं, मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन एकदम वाइट दांत चाहिए ना वैसे नहीं होते। सो गाइस, तो काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन थी, यू नो, मैं भगवान जाने मतलब मेरा रिसेंटली इंगेजमेंट हुआ, तो उसमें भी मैंने जितने भी मैंने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, मैंने एक में भी लाइक दांत दिखा के ऐसे स्माइल करके एक में भी फ़ोटो नहीं निकाला, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे टीथ ब्लैक पड़ रहे थे। इसकी वजह से मैंने एक भी फ़ोटोज़ में अपना दांत दिखा के स्माइल नहीं की, मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, यू नो, इतने पैसे के बाद, इतना मतलब खर्चे के बाद, इतने टाइम के बाद जब आपकी टीथ अच्छे नहीं दिखे, मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिले, तो मतलब अंदर से बुरा लगता है, दुख भी होता है, बट क्या कर सकते हैं। तो सो गाइस, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया है। मेरे मतलब यहाँ जहाँ मैं पास में रहती हूँ, आप मुंबई में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हर एरिया वाइज लाइक कभी कांदिवली, कभी मालाड, कभी जोगेश्वरी, कभी बांद्रा, मतलब यहाँ पे हर एक एरिया में ना ऐसे फिक्स है कि संडे को इस एरिया में मार्केट लगेगा, मंडे को इस एरिया में मार्केट लगेगा। तो जो मार्केट वो लगता है संडे मंडे गुरुवार मंगलवार वाला, वो वाला जो मार्केट लगता है उसमें मैं गई थी, ऐसे ही जस्ट छोटे मोटे शॉपिंग के लिए, चटाई वटाई कुछ लेना था, तो ऐसे ही जस्ट गई थी। तो वहाँ पे एक टीथ साफ करने वाला मतलब लगा के खड़ा हुआ था, तो इवन मैं उससे एक बार मतलब जिसका जो प्रॉब्लम रहता है उसकी नज़र वहाँ पहुँच जाती है, तो मेरी नज़र उसके पास पहुँची, तो मैं गई उससे थोड़ा बात बात की, फिर मैं बोली कि पता नहीं कैसा है, सही है कि नहीं सही है, हाँ, तो मैंने नहीं लिया, मतलब देख के फिर चली गई, नहीं ली। बट आते समय रिटर्न उसी रास्ते से आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने जो मतलब दांत पे घिसने के लिए दिखा रहा था वो मम्मी ने ले लिया। तो वो गाइस ये है, एंड गाइस सीरियसली इससे मैंने ब्रश किया एंड देख सकते हैं आप मेरे टीथ जैसे, मतलब फर्स्ट डे मेरा
दांत मतलब ब्रेसेस निकले थे उस तरीके से अभी मेरे टीथ चमक रहे हैं, जबकि मैंने एक ही दिन किया है। हाँ गाइस, बट मेरे थोड़े ये दांत अभी चमक रहे हैं, बट ये नीचे के दांत हैं थोड़े, मतलब काफ़ी टाइम से गंदे थे, तो जो इसके दांत में ये आरी आरी है उस पर अभी अच्छे से नहीं छूटा है, बट काफ़ी छूट गया है। मैंने एक ही बार किया, अभी जस्ट एक ही बार किया, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो डेफिनेटली एक दो बार करेंगे तो बहुत अच्छे से छूट जाएगा, जो कि मुझे मेरे नियर बाय मार्केट में मिला। गाइस आप इसको देख सकते हैं, इसका आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं अच्छे से इसका फ़ोटो लेके एंड अच्छे से प्रॉपर वीडियो करके दिखाती हूँ इसका। आप इसको मार्केट में, आपके नियर बाय मार्केट में मिलेगा ये, अगर मैं तो यहाँ अभी भी क्या बोलूँ आपको, मतलब अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये आप लोग अपनी मार्केट में चेक करिएगा, मतलब लगाए रहते हैं, मतलब मैंने तो उससे दो तीन बार उस जगह पर देखा है, मतलब उस आदमी को, उस जहाँ पे ये मैंने ख़रीदा था उसको दो तीन बार उस जगह पे मैंने देखा, बट मुझे ऐसा होता था कि ये लोकल मार्केट है, पता नहीं कैसा होगा, मतलब ऐसे होता है ना बिली ट्रस्ट नहीं होता है वो लोग पे, लेकिन ऐसे ही मैंने जस्ट ले लिया, लेकिन ये मेरे लिए तो समझ लो चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अभी मैं, मेरा अगर ये साफ़ नहीं होता इससे तो मैं डेफिनेटली, अभी मेरी रिसेंटली मतलब शादी भी है नज़दीक में ही, तो मुझे कराना ही पड़ता, मतलब मेरे टीथ क्लीनिंग कराना ही पड़ता, लेकिन इसकी वजह से मुझे क्लीनिंग नहीं कराना पड़ेगा। एंड गाइस ये जस्ट ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा पैसे का भी नहीं है, लेकिन मुझे इससे इतना अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिला कि मैं आप लोग के साथ बिना शेयर किए मतलब रह नहीं पाए। अगर मतलब मैंने जो वीडियो डाला था तो आप लोगों ने मतलब बहुत, मतलब आप लोग के अंदर भी आप लोग के कमेंट्स देख के मुझे बुरा लगा, बट होता है, अभी मेरा जो था मतलब मुझे जो फील हुआ, मेरे टीथ ब्लैक, सच में ब्लैक हो रहे थे, आप लोग मेरे वीडियोस में देखे होंगे तो मेरे टीथ कैसे ब्लैक दिख रहे हैं। मैं जस्ट अभी आप लोग को विंडो के सामने बैठी हूँ, मतलब उजाले में बैठी हूँ, इसकी वजह से ज़्यादा मेरे फेस पे ब्लर आ रहे हैं, बट मैं आपको ना सनलाइट से दिखाती, मेरे टीथ एकदम वाइट दिख रहे हैं इसकी वजह से, जस्ट वेट 1 मिनट, हाँ वो बहुत ब्लर हो रहा है मेरे कैमरे में। तो गाइस इसके अंदर ये बना हुआ है, इसका नाम है एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, गुड मॉर्निंग आयुर्वेदिक टूथ क्लीनर इसका नाम है, इस पर लिखा है गुड मॉर्निंग आयुर्वेदिक टूथ क्लीनर, मैन्युफैक्चरिंग गोरखपुर से है, यूपी गोरखपुर में बना हुआ है ये, एंड इसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, जो चीज़ मतलब सामान, जो चीज़ प्रोडक्ट डाला हुआ है उस पर, इस पर MRP देखिए 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन सही बोलूँ तो ये 100 रुपीज़ का मिलेगा तो भी बहुत मतलब कम है, मेरे को तो 50 रुपये में दिया उसने, लेकिन ये इस पर 100 रुपीज़ प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे लिए तो किसी मतलब चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा सूट किया, देखिए फीस एकदम वाइट हो गए, जबकि मैंने सारे चीज़ें मतलब YouTube से देख के अप्लाई करके देख लिया, मुझे कोई मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मतलब जैसा मुझे चाहिए था, मेरे दांत वाइट चाहिए थे वो नहीं मिल रहा था। इसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए, कॉम्पोजिशन मेनफोपिट कानपुर बाबुल मजू फ्रूट क्लोफिट फिटकेट टोम्ब्रो ऑयल नीम दालचीनी रॉक कैम्पोरा, ये सब मतलब सारी चीज़ें डाल के बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग 2021 की है, एक्सपायरी डेट 2023 तक की है। सो गाइस अगर आपको ये कहीं आपके अगर ऐसे टीथ ब्लैक भी पड़ रहे हैं, मतलब ऐसे भी मुझे लग रहा है नॉर्मली भी अगर आपके टीथ ब्लैक हैं, लाइक कोई टोमैको खाता है या फिर कुछ, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा क्लीन करेगा, तो अगर आप लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके नियर बाय मार्केट में मिलेगा, नहीं तो फिर मैं इसको आप लोग की कैसे हेल्प कर सकती हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीरियसली अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, जो भी है अभी मुझे नहीं मालूम ये कैसे बना हुआ है। इसके अंदर देखिए गाइस कुछ ऐसे है, दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे पैक है मतलब खुला, इसके अंदर कुछ इसमें कुछ ऐसा पाउडर जैसा है, एंड इसका नाम है गुड मॉर्निंग आयुर्वेदिक टूथ क्लींजर,
देख रहे हैं क्या क्या डाला हुआ है, वो सब लिखा है क्लोफिट के टोम्ब्रो ऑयल नीम दालचीनी ये सब डाला हुआ है, जो वो सब लिखा हुआ है। एंड गाइस दिख रहे हैं ये छोटी सी डिब्बी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है, नहीं तो मुझे फिर से मेरे टीथ क्लीनिंग कराने पड़ते तो फिर दांत मेरे और भी घिसते तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर MRP लिखा हुआ है 100 रुपीस मार्केटिंग मुंबई, बट इसका मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग डेट 2021 एक्सपायरी 2023 और ये मैन्युफैक्चरिंग बाय DG आयुर्वेदिक गोरखपुर UP का है ये बना हुआ है। सो गाइस ये छोटा सा डिब्बा है 100 रुपीज़ बट मेरे को ये 50 रुपये में मिला है गाइस, झूठ क्यों बोलूँ तो ये। लेकिन इससे ब्रश करने पे इससे ब्रश मतलब मैंने ऐसे नॉर्मली ब्रश भी नहीं किया गाइस, मैंने बिना मन के मतलब मैं इतनी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थी मेरे टीथ को लेके, बिना मन के मैंने इसको जस्ट हाथ में रख के अपनी उंगली से ही घिसा ऐसे ही, मैंने थोड़ा घिसते घिसते कुछ टाइम बाद देखी वो काफ़ी अच्छा मुझे मतलब वाइट मेरे टीथ, मैंने मिरर लेके बैठा हुआ था तो मैंने मिरर में देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिर मैंने अच्छे से घिसा तो फिर मतलब ज़्यादा घिसना भी नहीं था, बस 2-4 मिनट ऐसे घिसा तो दांत पूरे वाइट हो गए मेरे एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इससे। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो डेफिनेटली, आप लोग के टीथ ऐसे ब्लैक पड़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इसको परचेस करना, ये बहुत ही अच्छा है। सो गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली करना अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय। मेरी टीथ की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो मुझे मिल गई एंड आई एम सो हैप्पी। हम दांत ब्रशेस लगवाते ताकि हमारे टीथ हमारी स्माइल अच्छी दिखे, बट जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वही समझता होगा जो ब्रशेस 2-3 साल लगाया रहता है एंड इतने दर्द इतने टाइम के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब तो डेफिनेटली आपको मतलब कष्ट होगा, आपको मतलब हर्ट होगा। बट इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला एंड नाउ मेरी स्माइल आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस मेरी स्माइल आज अच्छी हुई, आज ही मैंने इसको यूज़ किया, आज मेरी स्माइल अच्छी हुई इसीलिए मैंने, देखिए आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, मैं लिपस्टिक जल्दी अप्लाई नहीं करती हूँ। आज मुझे मेरे टीथ अच्छे लग रहे थे तो मेरा मन किया कि चलो लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, देन लिपस्टिक अप्लाई करके वीडियो बनाया। एंड गाइस देखिए आप लोग मेरे टीथ देख सकते हैं ना, पूरे वाइट दिख रहे हैं, अभी ऊपर के तो बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं, पहले तो कितने ब्लैक और गंदे दिख रहे थे, एंड नीचे के थोड़े हैं बहुत साफ़ हो गए थोड़े हैं, तो वो एक दो बार करूँगी तो आई एम 100% श्योर कि वो सही हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर डेफिनेटली, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो शेयर जरूर करना, अगर किसी के टीथ ब्लैक होंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय गाइस।